ने पनामा लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, उनके रिश्तेदार हसन नवाज, हुसैन नवाज, पूर्व कैप्टन सफदर, वित्त मंत्री इशाक डार, डायरेक्टर जनरल फेडरल जांच एजेंसी, आयकर विभाग के फेडरल बोर्ड के चेयरमैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक मामले की वजह से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। हालांकि मामले की सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है।